हेलो एवरीवन मैं हूं आपका अपना सुबह सर मलाया हूं आपके लिए सेकेंड पार्ट सेकेंड चैप्टर का चलिए शुरू करते हैं so, इस आज का हमारा पहला जो टर्म है वो है एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग देख लेते हैं एनी डिस्पोर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और अ अलाइबिलिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग असीट्स गुड्स और सर्विसज किसी भी असेट को लेने पर गुड्स को लेने पर या किसी सर्विस को लेने पर अगर कोई भी कैश का पेमेंट किया जाता है या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है या कोई भी लाइबिलिटी अगर इसकी वजह से इंक्रीज होती है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है एक्सपेंडिचर तीन तरीके का होता है मतलब एक्सपेंडिचर कैन बी कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स जिसमें फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं सेकेंड है रिवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड ऑन मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस दीज एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंसिस ऑल्सो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी होती है बिजनेस की अर्न करने की उसको बनाए रखने के लिए नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए तो जितने भी एक्सपेंडिचर इस तरीके के होते हैं या तो ये करंट असेट को बनाते हैं और या तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए किए जाते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं थर्ड टाइप के एक्सपेंडिचर हैं डिफॉल्ट रेवे एक्सपेंडिचर दीज एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू टाइप के होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो जाने की वजह से इनका एक ही ईयर में ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता इसके अलावा इन बेन इन जो एक्सपेंसेस हैं या एक्सपेंडिचर हैं इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट टर्म है रिवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मतलब अगर गुड्स को बेचने पर उनको सेल करने पर जो सर्विस uh, रेंडर करने पर जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो रिवेन्यू कहलाता है ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम होती है जो कि डे टू डे एक्टिविटी में होती ही रहती है नेक्स्ट टर्म है इनकम सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कार्ड इनकम मतलब रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस निकल कर आता है वो इनकम कहलाता है इसके बाद आता है प्रॉफिट प्रॉफिट इसी से मिलता जुलता है जब इनकम जो हो रही है वो नॉर्मली वन इनकम में से वन जो एक्सपेंसेस हैं जो रिलेटेड एक्सपेंसिस हैं उनको माइनस करने पर आता है लेकिन अगर पूरे ईयर का अगर रिवेन्यू टोटल कर दिया जाए और उसमें से टोटल ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है नेक्स्ट टर्म है गेन। इट इज मॉनेटरी बेनिफिट और प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल गेन मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो कि नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता किसी इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस के होने की वजह से जो प्रॉफिट होता है वो गेन कहलाता है इसके एग्जांपल में प्रॉफ़िट अगर हम सेल ऑफ़ मशीन पर हमें कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लिया जा सकता है क्योंकि नॉर्मली बिजनेस का काम मशीन को सेल करना नहीं होता लेकिन अगर किसी वजह से मशीन को सेल करना पड़ जाए और उसको ऊपर प्रॉफिट मिल जाए तो वो गेन की कैटेगरी में आएगा इसके अलावा जैसे लॉटरी विनिंग कर ली कहीं से या हॉर्स राइडिंग पे पैसा लगा दिया और जीत गए तो ऐसी जो प्रॉफिट होते हैं या इनकम होती है वो गेन कहलाती है नेक्स्ट है लॉस लॉस को टू टाइप से कंसीडर किया जाता है बिजनेस में फर्स्ट जिसमें है व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू फॉर अ पीरियड एक पीरियड में जब टोटल एक्सपेंस टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं मतलब प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट हो जाता है तो वो लॉस कहलाता है एंड सेकेंड एक्टिविटी अगेंस्ट विच फॉर्म रिसीव नो बेनिफिट मतलब ऐसी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जिसके अगेंस्ट बिजनेस को, को कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में वो भी लॉस कहलाता है नेक्स्ट टर्म है गुड्स आइटम्स विच आर परचेस्ड फॉर रिसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स विच आर ऑल्सो मीन्स टू बी सोल्ड मतलब ऐसे आइटम्स जो इस पर्पज से खरीदे हैं ताकि उनको रिसेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाएगा या उसको र... प्रोडक्शन पर्पज से खरीदा गया है ताकि उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाएगा ताकि जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होगा बाद में उसको बेच करके प्रॉफिट अर्न किया जाएगा तो ऐसा कोई भी आइटम्स जो होता है वो गुड्स कहलाता है नॉर्मली ये वो गुड्स होता है जिसमें बिजनेस डील करता है फॉर एग्जाम्पल अगर पेन बनाने वाली कंपनी के लिए बात कर लें या एग्जाम्पल ले लें तो पेन बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक खरीदती है इसके अलावा इंक खरीदती है वॉल पॉइंट खरीदती है और उसके बाद उसका फिनिश गुड्स बना के पेन बना करके बेचती है तो उसके लिए प्लास्टिक इंक वॉल पॉइंट पेन ये सब उसके लिए गुड्स ही कहलाएंगे नेक्स्ट टर्म है परचेज द मतलब, बल और केबल जो ऊपर अभी हमने गुड्स समझा था उस गुड्स को खरीदने पर जो टर्म यूज की जाती है वो टर्म परचेज कहलाती है मतलब गुड्स को खरीदा जाएगा तो परचेस कहलाएगी अदर आइटम्स को खरीदेंगे तो परचेस नहीं कहलाएगी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक कार बनाने वाली कंपनी ने कार को बनाया ताकि वो उसे बेच सके तो उसको जो मटेरियल उसने खरीदा वो परचेज़ कहलाएगा इसके अलावा कार को अगर उसने खरीदा ही इस परपज़ से है ताकि उसको वो बेच करके प्रॉफिट कमाएगा तो वो कार उसकी गुड्स कहलाएगी लेकिन अगर उसने कार को खुद चलाने के परपस से सेल्फ़ यूज़ के लिए अगर उसको ख़रीदा है तो वो परचेज की टर्म में नहीं आएगी नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर आर नोन एज परचेज रिटर्न जब परचेज की हुई जो गुड्स हैं उनको उनके सप्लायर को वापिस कर, कर दिया जाता है किसी भी रीजन से तो वो परचेज रिटर्न टर्म यूज की जाती है नेक्स्ट टॉपिक है सेल सेल इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस मतलब एक प्राइस को लेते हुए रुपये के बदले में रुपीस के बदले में अगर कोई भी ओनरशिप चेंज कर दी जाती है मतलब सर्विसेज को या गुड्स को किसी और को दे दिया जाता है इन रिटर्न ऑफ प्राइस तो ऐसी कंडीशन में उसे सेल्स टर्म यूज की जाती है लेकिन ये सेल्स टर्म तभी यूज की जाएगी जब उस चीज़ को बेचा जाए जब बिजनेस गुड्स को बेच रहा हो या सर्विसेज को बेच रहा हो उसी को बेचने की बात है अगर ऐसी कोई उसने असेट को बेच दिया जो उसमें कि वो डीलिंग नहीं कर रहा था तो वो सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय द कस्टमर इट टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो जैसे हम परचेज करते हैं तो उसका रिटर्न कर देते हैं वैसे ही हमारे कस्टमर भी हमारी जो बेची हुई गुड्स है उसको रिटर्न कर देते हैं कई बार किसी भी रीजन से वो रिटर्न कर सकते हैं तो ऐसी रिटर्न की हुई आइटम्स के लिए गुड्स के लिए सेल्स रिटर्न टर्म यूज की जाती है नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर गुड्स uh, लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड गुड्स जो बिकने से रह जाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड के नाम से जानी जाती है जब कोई ट्रेडिंग बिजनेस होता है तब स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड टर्म यूज की जाती है ट्रेडिंग बिजनेस से मतलब उस बिजनेस से है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदने बेचने का काम कर रहा है मतलब वो गुड्स को बनाता नहीं है सिर्फ मार्केट से खरीदता है और उनको प्रॉफिट से लेकर के बेच देता है जब कोई ऐसी फॉर्म या ऐसा बिजनेस जो खरीदने बेचने के अलावा मैन्युफैक्चर करने का भी काम करता है मतलब गुड्स को बनाने का भी काम करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके यहाँ इन्वेंट्री टर्म यूज होती है और इन्वेंट्री फोर टाइप की हो सकती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स और, और इन्वेंट्री ऑफ वर्क स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब ये है कि वो कच्चा माल जिससे कि गुड्स की प्रोसेसिंग बनकर के नया फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है अभी वो उसी फॉर्म में अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक राइस मिल का एग्जाम्पल ले लें तो राइस मिल में जो पैडी होता है वो रॉ मटेरियल होता है और पैडी से ही राइस बनता है तो ऐसी कंडीशन में जब तक वो पैडी की फॉर्म में बिजनेस में पड़ा हुआ है तब तक वो रॉ मटेरियल यानी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा इसी तरीके से इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा गुड्स जो रॉ मटेरियल की कैटेगरी से बाहर आ चुका है मतलब उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी वो फिनिश्ड गुड्स बन करके रेडी नहीं हुआ है जैसे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अभी कुछ ऐसा पैडी है जो कि मशीन्स में डाला जा चुका है लेकिन अभी राइस बनकर तैयार नहीं हुआ है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा मतलब अभी उसमें काम चालू है इसके बाद आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स से मतलब यह है कि जो गुड्स हमने प्रोसेसिंग में किया था वो बन करके तैयार हो गया है मतलब राइस बन करके रेडी हो गया है पैकिंग हो गई है और अब वो सेल होने के लिए रेडी है तो ऐसा अनसोल्ड जो गुड्स होता है वो कहलाता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स और इसके बाद लास्ट जो आता है स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक इसका वही मीनिंग है जो इससे पहले हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय